हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में, जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, काफी दिनों से क्वेरीज आ रही थी कि सर एक वीडियो जरूर बनाइए इसके ऊपर, क्या हमें यहाँ पर करना चाहिए, किस तरीके की स्ट्रेटेजी लेकर यहाँ पर चलना चाहिए। और आज के दिन दोस्तों अगर हम बात करें तो ये स्टॉक नीचे भी आया है। काफी दिनों से दोस्तों यहाँ पर एक अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा था, फिर थोड़ा सा अप डाउन दिखाई दिए और आज के दिन दोस्तों ये स्टॉक वापस से डाउन जाता हुआ नजर आया है। क्या हमें यहाँ पर दोस्तों करना चाहिए, क्या लेटेस्ट अपडेट दोस्तों यहाँ पर चल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर और देखिए दोस्तों ये स्टॉक जो है अभी 2.20 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आता है। आज के दिन जो है यहाँ पर एक लोअर सर्किट लगा है, तकरीबन 4.35% ये स्टॉक नीचे गया है, थोड़ा सा नीचे आए। और यहाँ पर देखें इसकी जो टेक्निकल रेटिंग है आपको वेरी बुलिश दिखाई देगी। क्यों? इसके पीछे रीजन है जो इसका सिंपल मूविंग एवरेज है और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यहाँ पर देखिए ये साइड में राइट, इनकी जितने भी प्राइजेस हैं, चाहे वो 5 दिन का हो, चाहे वो 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज हो, चाहे वो 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, इन सभी प्राइजेस से अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो ऊपर है, तो हमको वेरी बुलिश दिखाई दे रहा है टेक्निकल रेटिंग। थोड़ा सा नीचे है और इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो देखिए वॉल्यूम यहाँ पर काफी ही अच्छा जनरेट होता हुआ नजर आता है। काफी दिनों से लास्ट मंथ की अगर हम बात करें दोस्तों तो तकरीबन यहाँ पर 1 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट होता था, और अभी भी अगर हम बात करें आज की भी तो यहाँ पर NSE BSE मिलाकर हमें तकरीबन 1 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी कम्युनिटी सेंटीमेंट की तो 85% लोग यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं, 4% लोग सेल करना चाहते हैं और 11% लोग दोस्तों यहाँ पर होल्ड करना चाहते हैं। तो काफी ही अच्छा यहाँ पर एक रिस्पॉन्स देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर मिलता है। बात दोस्तों ये आती है कि इस कंपनी के ऊपर हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एक IT कंपनी है और IT फर्म दोस्तों जितने भी हैं इस लॉकडाउन के टाइम पर उन्होंने कमाल किया हुआ है। अभी स्पेशली अगर हम बात करें FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड की तो दोस्तों इसकी साइट के ऊपर मैं आपको लिए चलता हूं। अब यहां पर देखें कंपनी काफी जबरदस्त है, स्पेशली दोस्तों अगर हम बात करें इनकी सर्विसेज की तो यहां पर देखें आप IT इंफ्रा सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, लर्निंग सॉल्यूशन, बिजनेस प्रोसेस, टेस्टिंग सर्विस, जितने भी आपको दोस्तों IT सेक्टर में एक टर्म नजर आते हैं वो सारे के सारे दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो कंपनी किसी भी मामले में आपको कम दिखाई नहीं देगी या फिर ऐसी दिखाई नहीं पड़ेगी कि ये कंपनी जो है इसने इतने कम प्राइस पर दोस्तों क्यों अवेलेबल है। कंपनी का काम बहुत ही अच्छा है, ये हमको इनकी साइड से दिखाई पड़ता है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 374 करोड़ की दोस्तों मात्र ये कंपनी है। अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर क्या है, अच्छी बात दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, मतलब इस कंपनी के ऊपर डेब्ट बिल्कुल भी नहीं है। और ये किसी भी कंपनी के लिए दोस्तों बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जब कोई स्मॉल कैप कंपनी है और उसके ऊपर डेब्ट नहीं है, मतलब दोस्तों कंपनी में दम है, तभी दोस्तों उसने अपने ऊपर जो है कर्जा होने नहीं दिया है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट चलिए हम जान लेते हैं, इन्वेस्टर पर क्लिक करते हैं राइट। तो यहाँ पर देखें प्रमोटर होल्डिंग जो है यहाँ पर 19% की है, लेकिन 19% की प्रमोटर होल्डिंग से आपको डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि IT कंपनीज में नॉर्मली जो प्रमोटर होल्डिंग्स होती है ना वो कमी होती है। आप किसी भी बड़े स्टॉक को देखिए, इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, उनकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, आपको समझ में आएगा कि उनकी प्रमोटर होल्डिंग भी काफी कम है। लेकिन हाँ, एक चीज जो यहाँ पर मुझे सही नहीं लगी वो ये कि पब्लिक के पास में मैक्सिमम होल्डिंग है, 80% जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास में है और यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर या फिर फॉरेन इन्वेस्टर बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं है। ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। तो पब्लिक के पास से कुछ होल्डिंग डेफिनेटली डोमेस्टिक इन्वेस्टर या फिर फॉरेन इन्वेस्टर के पास में जानी चाहिए, तो यहाँ पर एक बैलेंस बन जाएगा और काफी अच्छा दोस्तों ये एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हो जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं इनके क्वार्टर्स की तो देखें ये कंपनी जो है मार्च वाले क्वार्टर में इन्होंने लॉस पोस्ट किया था, तकरीबन 16 करोड़ का इनको लॉस हुआ था। इसके पहले अगर हम बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर्स में दोस्तों इन्होंने प्रॉफिट दिखाया था। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जितने भी IT कंपनीज हैं उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और यही चीज हमको यहाँ पर भी देखने के लिए मिली। लगातार यहाँ पर हमें लॉस देखने के लिए मिल रहा था कई क्वार्टर से, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिला। बट दोस्तों चिंता का विषय ये है कि वापस से ये कंपनी जो है यहाँ पर अभी हमें लॉस में जाते हुए नजर आ रही है और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है सेल्स। इनके सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा, आप देखें इनको अपनी सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, कस्टमर लाने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी में कोई और कमी नहीं है, सबसे बड़ी जो एक कमी है इस कंपनी में वो है सेल्स की। सेल्स जब तक इंक्रीज नहीं होंगे तब तक दोस्तों इनके प्रॉफिट भी इंक्रीज नहीं होंगे। डेब्ट फ्री कंपनी है तो दोस्तों इनको पैसे अपने कहीं पर देने नहीं है, लेकिन दोस्तों इनको अपनी कंपनी रन भी तो करनी है ना,
इसीलिए ये जो लॉसेस हो रहे हैं इसको कम करने के लिए इनको नए नए जो कस्टमर्स हैं, अपनी सेल्स है उसको इंक्रीज करना होगा। जब तक इनकी सेल्स इंक्रीज नहीं होगी तब तक आप मानकर चलिए जो इनकी लॉसेस दिखाई दे रहे हैं ये भी खत्म नहीं होंगे। सो अभी हमें यहाँ पर अब क्या करना चाहिए, बात निकल कर ये आती है। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको यहाँ से थोड़ा सा दूर रहना ही सही रहेगा। किसी भी कंपनी के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहला वो कंपनी डेब्ट फ्री हो जो कि ये है, दूसरा सेल्स इंक्रीज होना चाहिए। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो, इसको ट्रैक करो और देखो कि इसके सेल्स में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है और जब सेल्स में इंप्रूवमेंट होगा तब हम इसको ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ क्वांटिटी एक लंबे टाइम के लिए। इतने कम प्राइस पर अभी चल रहा है, अगर इनकी सेल्स इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली इनके प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे और ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। कितना बढ़ेंगे, 5-6-7 के लेवल पर जाएंगे तब हम बाय कर लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है, राइट? जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग करके रखी हुई है और अगर वो प्रॉफिट में तो मेरे ख्याल से कुछ क्वांटिटी रख दीजिए एक लर्निंग पर्पस के लिए, अदरवाइज प्रॉफिट अगर ले सकते हैं तो लेकर। और भी स्टॉक्स हैं जो कि इतने ही प्राइस पर हैं लेकिन अच्छे हैं, आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं। जिन्होंने ऊपर लेवल पर बाइंग करी हुई है वो थोड़ा सा वेट करें क्योंकि मोमेंटम यहाँ पर दोस्तों बना हुआ है तो आने वाले टाइम पर आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे सकता है। लेकिन यस, एक स्टॉप लॉस लेकर चलें, जैसे कि मैं आपको करता हूँ तो ये इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, तकरीबन 1.65-1.60 रुपए का है। अगर इससे नीचे आता है स्टॉक तो बिल्कुल भी दोस्तों इसे सेल करके निकल जाएं क्योंकि फिर यहाँ पर आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आई थिंक दोस्तों आपका नजरिया क्लियर हो गया होगा इस स्टॉक के बारे में आपको क्या करना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।